Our next numerical is 2 towers on the top of a hill are 40 km apart. The line joining them passes 50 meters above a hill halfway between the towers. What is the longest wavelength of radio wave which can be sent between the towers without appreciable diffraction effect? बेटे क्वेश्चन में अपने पास जीवन डाटा की अगर हम बात करें तो अपने पास क्वेश्चन की स्ट्रक्चर पर जिसे हम पहले समझते हैं, आपके पास ये कोई दो हिल है, फर्स्ट हिल ये हो गया, सेकंड हिल ये हो गया। अब इन दोनों, ये जो हिल अपने पास हुए, इन दोनों हिल के टॉप, ये दोनों के टॉप हो गए, इनके टॉप पे ये दो टावर्स है, ठीक है। अब इन दोनों टावर्स को हमने मीट किया, इन दोनों टावर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 40 किलोमीटर। ये है टावर वन, ये है टावर सेकंड। क्वेश्चन बात करते हैं, फिर ये कहता है द लाइन जॉइनिंग देम पासेस 50 मीटर अबोव ए हिल हाफवे बिटवीन द टावर्स। हाफवे बिटवीन द टावर्स मींस दिस साइड एंड दिस इज इक्वल टू 50 मीटर, राइट। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और हमें कैलकुलेट यहां से क्या करना है, वेवलेंथ हमें यहां से कैलकुलेट करना है, क्लियर। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज इक्वल टू फ्रेसनल डिस्टेंस, सो वी कैन से दैट फ्रेसनल डिस्टेंस इज इक्वल टू 40/2, टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। And this 20 kilometer is equal to 20 × 10³ meters, right? And this distance is equal to a. A is equal to 50 meter. As we know that Fresnel distance ZF, से इसको हम represent करते हैं, ZF is equal to a square divided by lambda, यह अपना formula होता है। Now lambda is equal to a square upon ZF, जो कि फ्रेसनल डिस्टेंस है, यहाँ पे ZF is equal to a square, 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZF, ZF आपके पास क्यों कितना है 20 किलोमीटर, मीन 20 × 10³ meters, और कैलकुलेशन भी गए 50 × 50 / 20 × 10³, 1 0 कैंसिल, 1 0 यहां से कैंसिल कर देंगे, so this is equal to 12.5 × 10⁻²⁻² meter. This is the wavelength, this is the required result. So by our numerical number 4, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू पॉइंट पी एंड क्यू ऑन ए स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन वेव फ्रॉम सोर्स एस वन एंड एस टू हैव फेज डिफरेंस ऑफ 0° एंड पाई बाय 2°। बच्चे यहां पे देखो, आपको रेशियो निकालना है इंटेंसिटी का, आई वन रेशियो आई टू, ये हमें कैलकुलेट करना है गिवन डाटा की। अगर हम बात करें गिवन डाटा, I1 ratio I2 हमें यहां पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद इस न्यूमेरिकल में आपके पास जो डाटा गिवन है वो है, आपके पास दो सोर्स दे रखे हैं S1 और S2, ठीक है। S1 S2 के फेज डिफरेंस आपको गिवन है, फर्स्ट केस में आपको दे रखा है 0°, सेकंड केस में आपको दे रखा है π/2, ये आपके पास फेज डिफरेंस गिवन है। अब हम दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन मेंटेन यहां पे कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर फॉर फर्स्ट केस, एच आई इज इक्वल टू आई नॉट फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, क्लियर, एंड फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 0°, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। नाउ आई इज इक्वल टू 4 I0 कॉस स्क्वायर 5 की वैल्यू अपने पास क्या है 0, सो कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। As you know that cos 0° is equal to 1 हो गए अपने पास। Now I is equal to 4 I, ये रिजल्ट अपने पास आ गया, और ये जो I अपना होगा वो कौन सा होगा I, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन सेकंड केस, सेकंड केस में phi अपने पास कितना है भाई, π/2, एंड I
इज इक्वल टू आई मीन्स आई टू फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू एंड फाइव इक्वल टू पाई बाई टू एंड डिवाइड में टू. क्लियर? बट कॉस पाई बाई फोर जो कि 45 बन जाएगा इज इक्वल टू वन बाय रूट टू. क्लियर? सो आई टू इज इक्वल टू फोर आई नॉट कोस के आप 1 बाई रूट टू को करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई टू एंड दिस इज इक्वल टू टू आई नॉट. इक्वेशन नंबर सेकेंड ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड वी गेट इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से आप डिवाइड करेंगे आई वन बाय आई टू इज इक्वल टू फोर आई नॉट डिवाइडेड बाय टू आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट सो टू बाय वन सो आई वन रेशियो आई टू इज इक्वल टू टू रेशियो वन दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. क्लियर? नोट इट डाउन. So now numerical number 5. The ratio of intensity at maximum and minima is 25:16. What will be the ratio of the weight of the two slits in Young's double slit experiment? बच्चे यहां पे आपके पास given data की हम बात करें given data ratio of intensity आपको दे रखा है maximum और minima. आप कह सकते हैं I maximum डिवाइडेड बाय आई मिनिमा और ये जो रेशियो आपके पास गिवन है ये आपका है 25:16. क्लियर? 25:16 हमें यहां से कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ देयर विड्थ ऑफ स्लिट्स मीन्स डब्ल्यू वन बाय डब्ल्यू टू आपको यहां पे कैलकुलेट करना है. क्लियर? नाउ एज वी नो दैट आई मैक्सिमा बाय आई मिनिमा इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर. बच्चे यहां पे ए और जो बी है ये एम्पलीट्यूड्स है टू डिफरेंट वेव के. ठीक है? ए एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फर्स्ट एंड बी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव सेकेंड. नाउ आई मैक्सिमा 25 बाय मिनिमा 16 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर. क्लियर? बच्चे यहां पे जो स्क्वायर है कंप्लीट कॉमन हो गए इधर अंडर रूट बन जाएगा सो वी कैन से राइट अंडर रूट 25 बाय 16 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय ए माइनस बी. ऑन सॉल्विंग वी गेट 5 बाय 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय ए माइनस बी. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 5 ए माइनस बी 4 को ए प्लस बी सो वी गेट 5a माइनस 5b इज इक्वल टू 4a प्लस का 4b. आप इसी को इस साइड लेके आएंगे तो अपने पास आएगा 5a माइनस 4a 5b को इधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा 5b a इधर बचेगा आपके पास 9b सो a बाय b इज इक्वल टू होगा 9:1. क्लियर? As we know that बच्चे यहां पता लाइट इश्यू है तो थोड़ा चेक कर लेना ए बाई भी अपने पास आ गया. As we know that इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड ए स्केयर आई टू बी स्केयर एंड ऑल्सो इज इक्वल टू डब्ल्यू वन बाय डब्ल्यू टू. यहाँ पे W1 width of first slit and width of second slit. हमें रिलेशन यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है W1 by W2. So we can say that W1 by W2 is equal to A square means 9 square आप करेंगे यहाँ पे divided by 1 square. So W1 by W2 is equal to 8
81 by 1, this is the required result. Clear?